चैप्टर 27 to 30, डेविड ने डिसाइड किया कि वो जो है टॉमी ट्रैडल से मिलेंगे जो उनके घर जाके, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि जो टॉमी ट्रैडल्स हैं वो उसी ही बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें मिकावर्स थे। अब ट्रैडल्स जो हैं वो बाहर की स्टडी कर रहे हैं, उनका अपार्टमेंट और फर्नीचर जो है बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है और वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें ताकि वो अपने ट्रू लव से शादी कर सकें, जिसको जिनके लिए उन्होंने कसम खाई है कि तब तक वो वेट करेंगे जब तक कि वो पैसे नहीं कमा लेते। इस बीच में ट्रैडल्स जो हैं खाली दो फर्नीचर ही जुटा पाए हैं, एक फ्लावर पॉट, रिक्स और छोटी सी टेबल। मिस्टर मिकावर जो हैं वो फिर इस टाइम पे फाइनेंशियल ट्रबल में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनको जल्द ही काम मिल जाएगा। मिसेस मिकावर जो हैं वो दोबारा प्रेग्नेंट हैं। मिसेस मिकावर और ट्रैडल्स डिनर के लिए आते हैं डेविड के अपार्टमेंट में। मिसेस क्रॉप एग्री कर लेती हैं, जब आपस में उनके एक बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है फिर भी वो एग्री कर लेती हैं कि वो उन लोगों के लिए डिनर बनाएंगी। अब डिनर पे जब खाना आता है तो वो काफी अनकुक्ड होता है, या कह सकते हैं अंडर कुक्ड था। तो मिसेस मिकावर जो हैं वो फिर उसको जो मीट था उसको दोबारा रीकुक करने में मदद करती हैं। फिर सबके सब जो है इंजॉय करके खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं। स्टीफर्थ के जो सर्वेंट थे लिटिमर, वो आते हैं और वो पूछते हैं डेविड से कि क्या उन्होंने स्टीफर्थ को देखा है। डेविड रिप्लाई करते हैं कि नहीं, उन्होंने उनको नहीं देखा। अब लिटिमर जो है उसने डेविड को नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है कि स्टीफर्थ उनके घर पे होंगे, ना उसने ये बताया कि स्टीफर्थ है कहाँ। उल्टा लिटिमर जो है वो इंसिस्ट करता है कि जितनी बाकी की मील बची है उसको भी वो सर्व कर दे, जिससे सब लोग बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब लिटिमर वहां से चला जाता है तो गेस्ट जो है फिर दोबारा एंजॉय करने लगते हैं। वो मिकावर्स जो थे उनकी जो प्रोस्पेक्ट्स हैं कि वो बिजनेस कैसे बढ़ाएं, क्या करें, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और सबको जो मानते हैं कि मिकावर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे फ्रेंड्स चले जाते हैं, डेविड जो है वो ट्रैडल्स को सजेस्ट करते हैं कि वो जो है कोई भी चीज मिकावर को लैंड ना करें, ना ही मिकावर को अलाउ करें कि वो ट्रैडल का नाम इस्तेमाल करें ताकि वो जो है और ज्यादा उधार ले सके। ट्रैडल्स ने कहा कि उन्हें तो पहले ही मिस्टर मिकावर को अपना नाम दे दिया है और साथ ही साथ मिस्टर मिकावर से ये भी कहा है कि जो उनके बिल्स हैं उनका वो ध्यान रखेंगे। डेविड को थोड़ा सा संशय होता है, फिर भी वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि मिकावर ने अभी तक जो है पैसे की डिमांड नहीं करी है। स्टीफर्थ एकदम से डेविड के अपार्टमेंट में आते हैं जब सब बाकी जा चुके होते हैं और डेविड उन्हें बताता है कि ट्रैडल्स भी बस जस्ट अभी गए हैं। स्टीफर्थ बहुत ज्यादा ट्रैडल्स की बात तो नहीं करते हैं और डेविड इस बात को लेके थोड़ा सा ऑफेंडेड फील करते हैं। स्टीफर्थ बताते हैं कि वो जो है सी फायरिंग के लिए गए थे यामाउथ। वहां डेविड ने बताया कि जो लिटिमर है वो अभी जस्ट उनके अपार्टमेंट में आया था उनको ढूंढता हुआ। स्टीफर्थ ने बताया कि मिस्टर बाकिस वो काफी इल है और उन्होंने जो है एक लेटर दिया है पेगोटी से डेविड के लिए। स्टीफर्थ ने यह भी बताया कि मिस्टर बाकिस जो हैं वो बिल्कुल डाइंग स्टेज पे हैं और ये भी कहा है कि जो मैन है उसको विन द रेस, यानी कि उसको अपने सारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं उसके ऊपर जो है उसको विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब डेविड ये मानते हैं कि मेरे को जो है पेगटी के पास जाना चाहिए। फर्स्ट एयरफर्ट पर उनको जो है पर्सुएट करते हैं कि वो जो है पहले उनकी मदर हाउस में चले बिग लार्ज माउथ से जाने से पहले। जैसे ही डेविड जो है कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो उनको एक लेटर दिखता है मिस्टर मिकावर का जो उन्होंने दिया था जाने से पहले। उसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर मिकावर ने जो है जो भी कर्जा लिया है उसका जो है कोई भी ध्यान नहीं रखा है, जो कि वो ट्रैडल के नेम में लेते जा रहे हैं। अब स्टीफर्थ के घर पे डेविड जो है पूरा दिन गुजारते हैं मिस डार्टल और मिस स्टीफर्थ के साथ। मिस डार्टल जो है डेविड से पूछती है कि वाई जो है मतलब वो क्यों जो स्टीफर्थ हैं उनको उनकी मदर से दूर रखते हैं। डेविड उनको एश्योर करते हैं कि वो जो है स्टीफर्थ के साथ थे ही नहीं कई हफ्तों से। मिस डार्टल जो है थोड़ा सा इस बात को सुनकर परेशान हो जाती हैं। डिनर पर मिस डार्टल कहती हैं कि अगर स्टीफर्थ और उनकी मदर में जरा सा भी कभी झगड़ा हुआ हो तो वो हमेशा झगड़ेंगे, उनका जो झगड़ा होगा वो काफी खराब होगा क्योंकि दोनों में से कोई भी जो है एक दूसरे से हल्का नहीं पड़ना चाहता। पर
मिसेस टेफर जो है मिस डार्टल को एश्योर करती है कि वो और उनके लड़के जो हैं वो अपनी जो ड्यूटी है एक दूसरे के प्रति उस पर कहीं ज्यादा वो कॉन्शियस है बजाय लड़ने के, मतलब अगर लड़ते भी हैं तो भी उनको एक दूसरे के प्रति जो उनकी ड्यूटीज हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। फिर जब दिन खत्म होने लगता है तो स्टीफर जो है डेविड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रॉमिस करें कि कभी भी ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा तो डेविड जो है उन्हें हमेशा जो उनकी अच्छाइयां थी उसके लिए याद करेंगे। डेविड उस बात को लेकर प्रॉमिस करते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो फिर वो जो है सोते हुए स्टीफर को देखते हैं। पीछे जो एडल्ट डेविड है यानी बैकग्राउंड में एडल्ट डेविड जो है वो इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता कि उन्होंने जो स्टीफर थे उसी मोमेंट में जैसे थे जैसे उस वक्त जैसा उन्होंने देखा था बिल्कुल उन्होंने उसको वैसे ही रखा था ताकि वो ना हुआ होता जो आगे चलकर हुआ। जब डेविड 11वां था तो वो जो है मिस्टर उमर के यहाँ गए जिन्होंने बताया कि लिटिल एमली जो है उनको उन्होंने बहुत टाइम से नहीं देखा है। मिस्टर उमर ने यह भी बताया कि जो मार्था जो कि लिटिल एमली की फ्रेंड थी वो भी तब से गायब है जब डेविड जो है उनको लास्ट यार्मउथ में देखा था तब से। डेविड पैगेटी के घर जाते हैं जहां मिस्टर पैगेटी और लिटिल एमली किचन में बैठे हुए हैं पैगेटी की हेल्प करने के लिए। डेविड इस बात को जानते हैं वहां कि मिस्टर बार्किस जो है वो अनकॉन्शियस हैं और उनकी उम्मीद है कि बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी। मिस्टर पैगेटी कहते हैं कि मिस्टर बार्किस जो है वो जो है जैसे कहिए लहरें वापस जाती हैं ऐसे ही तभी मिस्टर बार्किस भी डेथ हो जाएगी उनकी। लिटिल एमली थोड़ी सी जो है अपसेट दिख रही होती हैं और बहुत ही कम हुआ कि उन्होंने अपनी नजरें उठाकर डेविड को इवन हेलो तक कहा। जैसे ही टाइड उतरी वैसे ही मार्किस की भी डेथ हो गई।